अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी जीएम अगेन, एक ब्रांड न्यू वीडियो में सभी को वेलकम। तो आज का गेम प्ले बहुत ज्यादा तगड़ा जाने वाला है। रैंडम प्लेयर है, तीनों अच्छे प्लेयर हैं और लॉबी की बात करें तो फुली हार्ड ग्रैंड मास्टर लॉबी आई हुई है इस गेम के अंदर। तो बहुत ही तगड़ा गेम जाने वाला है। अभी से सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना। जो जो भी बंदे लाइक नहीं करते, लाइक कर दिया करो। और अगर आप में से कोई भी बंदा भाई टिकटॉक से आया और यहाँ पे सब्सक्राइब कर रहा है, उधर मैंने बोला था कि सब्सक्राइब कर लेना है, उस बंदे का भाई बहुत ज्यादा दिल से शुक्रिया, लव यू हो गया भाई, थैंक यू फॉर रिस्पेक्ट। बाकी यार इस गेम में नक्सेरा मैप आया था, तो नक्सेरा मैप जब भी आया ये अपने लिए काफी अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि इस पे हमने ना सिर्फ काफी अच्छे किल करे हैं और इस सीजन के काफी जो अच्छे किल्स हैं, यानी कि सबसे हाईएस्ट किल्स हैं, वो भी इसी मैप के ऊपर हैं। तो बिल्कुल ये गेम भी एंड लेवल लेके जाएंगे। आप लोगों ने बस थोड़ा सा वेट करना है और लाइक कर देना है। शुरू में नेट मसला कर रहा था बट बाद में सही हो गया था। ओके, यहाँ पे एक बंदा था, एके का काफी अच्छा शॉट लगा है। वहाँ से लॉन्च पैड लेके हम लोग यहाँ पे आए थे। यहाँ पे शो हो रहा था कि एक आधा बंदा है, टावर की साइड था, वो शायद किसी ने मार दिया था। बाकी गाइस हम लोगों ने लूट वगैरह कर ली थी और प्रॉफिल काफी अच्छा गन है P90 के साथ उठाई थी। और यहाँ पे एक बंदी है जिसको काफी अच्छा हेडशॉट लगा है, तो इस पर रश करेंगे। ग्लू वॉल इस वजह से तोड़ता हूँ आजकल, क्योंकि ग्लू वॉल अगर आप सामने वाले की तोड़ते हो तो 40 का डैमेज पड़ता है उसको, और ये काफी तगड़ी चीज है भाई, अच्छी चीज है। अगर 40 HP बचती और बंदा ग्लू डाल लेता तो मर जाता है ग्लू के पास ही। ओके, मरियम को यहाँ पे काफी अच्छे बॉडी स्प्रे और शुरू में एक हेडशॉट पड़ा था, तो इनका किल यहाँ पे मिलता है। तो दूसरा किल भी यहाँ पे डन हो चुका है। 38 बंदे अलाइव हैं और अभी भी रिवाइव होंगे, क्योंकि भाई ये गेम ग्रैंड मास्टर लॉबी का है, तो अगर एक बंदा मरता है तो भाई बाकी रैंक बचाने के लिए सबसे पहले उसको रिवाइव करते हैं। टोकन थे तो मैंने डब्बे में मार दिए भाई, ताकि लूट अच्छा मिल जाए। बाकी गाइस इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 है, 100 लाइक्स टारगेट कम्प्लीट करना है और 3500 सब्सक्राइबर भी इस वीडियो के बाद उम्मीद है कि हो जाएंगे अपने। ओए बंदे ने क्या भाई डैमेज दिया, लिटरली एक गोली से छोड़ा है और वे कैंपर ऊपर की साइड बैठा हुआ है, तो इसको भी पकड़ते हैं सबसे पहले। भाई ये कैंपर जो है ना, ये अगर कैंप करके भी मर जाए तो इनके ऊपर भाई अलग ही लेवल की लानत भेजनी चाहिए। कैंप करके भी आप लोग मर जाओ तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर ये अपने को मार देता है, अरे नीचे की साइड बंदा गया भाई, ओनली स्कार के यहाँ पे रेड नंबर पड़े, और ये वही बंदा है जिसको पहले हम लोगों ने ऊपर जाके मारा था, तो इसको इमोट दिखाना बनता था अगर, तो ये पंगे ले रहा था। इसने बहुत गंदा डैमेज जरूर कराया था बट नॉक नहीं कर पाया मैं। तो अगर इसका किल हम लोग पूरा करते हैं तो इसके साथ 3 हम लोगों के कन्फर्म हो जाने, और अभी भी 33 अलाइव है। एक बंदा और भी है जो कि इस छत के ऊपर से जा, या शायद ये वही है जिस जो छत के ऊपर थी, तो इसने डैमेज तो भाई बहुत तगड़ा दिया था इस। यहाँ पे खान एक ज्यादा 2, ओनली स्कार के रेड नंबर पड़े हैं भाई। लूट वगैरह कर रहा था, इसको पता नहीं है कि जीएम भी इस मैप के ऊपर आया हुआ है। आई थिंक ऊपर की साइड जो हाइट है ना इसका सेम हो जाएगा, तो इसके ऊपर भाई बिल्कुल एम जाएगा। ओके, ओनली रेड नंबर भाई यहाँ पे स्कार के। तो अगर इसका किल आ रहे, नहीं 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 नहीं, इसने डिमिट्री लगाई हुई है। ऐसे बंदों को भाई क्या ही बोले बंदा, एक तो भाई वो क्या बोलते हैं, कैंपिंग करते हैं, ऊपर से सोने डिमिट्री लगा रखी होती है इन लोगों ने। बट कोई ना, यहाँ पे चेक कर, ओए स्क्वाड के सारे बंदे यहाँ पे मर गए हैं, अकेले प्लेयर बचे हैं, और ऊपर से इस कैंपर ने भाई तंग करा हुआ है इसको, तो हेडशॉट मारेंगे भाई। पीछे आने दो थोड़ा सा इसको, चलो गया भाई। उसको लगा ही ना था कि इतना फास्ट प्लेयर भी है भाई, इसको लगा एम लेके पीछे से मार लेगी, बट उसको काफी तगड़ा हेडशॉट हम लोगों ने मारा है। तो यहाँ पे अगर उसका किल भी हम लोग कन्फर्म, आई थिंक आप तो कन्फर्म हो ही जाएगा। 5 किल यहाँ पे हो चुके हैं गाइस, 24 बंदे अभी भी अलाइव है। ओके, तो गाइस यहाँ पे सारे टीममेट नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं, 5 किल अपने डन है, 24 अलाइव है। टोकन तो अपने पास 900 है, लेकिन हम लोग यहाँ से सोलो डेयर पकड़ के इनको रिवाइव कराने वाले हैं। एक बंदा सामने की साइड जा रहा है, और जब भी हम लोग सोलो डेयर पकड़ते हैं भाई फुल रश करते हैं, कोई भी सीन नहीं होता कि कैंप कर लो इधर चले जाओ या फिर उधर चले जाओ भाई। इसको सबसे पहले बंदे को पकड़ेंगे भाई, कोई मिशा की स्किल नहीं लगी हुई तो गाड़ी तो पकड़ेंगे नहीं। चलो फिदा नूब को यहाँ पे हेडशॉट लगे, फिदा नूब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका नाम है भाई नूब। बाकी यहाँ पे चेक करो भाई, सोलो डेयर हम लोग यहाँ से पकड़ने वाले हैं। 900 टोकन जरूर थे, लेकिन उससे हमने वेस्ट और हेलमेट ले लिया था लेवल 3 का, ताकि कवर अच्छा मिल सके। अगर कोई बंदा मारता भी है तो इतना ज्यादा डैमेज ना पड़े, आराम से ग्लूवल वगैरह का टाइम मिल जाए भाई। ये देखो काफी एक की पॉइंट होता है अगर आपके पास अच्छा वेस्ट हो तो, क्योंकि अगर अच्छा वेस्ट हो तो जितना मर्जी बंदा मार ले आपके पास ग्लूवल का टाइम जरूर रहता है अगर अच्छा वेस्ट। ओए यहाँ पे बंदे को क्या हेडशॉट लगे, तो मैं ये बोल रहा हूँ हेडशॉट भी आप लोगों को अच्छे हेलमेट पे लगे तो आपकी कुछ ना कुछ HP रह जाती है। इवन वन टैप पे भी देखा होगा आपने कि पूरा डैमेज नहीं पड़ता, थोड़ा सा कम पड़ता है, इस वजह से कि अच्छा हेलमेट होना चाहिए।
ये ग्रेनेड चेक करो भाई, खुद पे ही फेंक दिया है। नीचे की साइड जो नॉक है शायद इंजेक्शन हो इसके पास। नहीं है, एक और। ओए भाई, इसको भी काफी अच्छा हेडशॉट, जोन से बेचारा नॉक हो गया। या खुद पे कुछ मारा है इसने, क्योंकि हमने तो एक हेडशॉट ही मारा था स्कार का, उसके बाद दो तीन बॉडी स्प्रे, तो इसकी एचपी थोड़ी सी बचनी चाहिए थी। तो यहाँ पे टीममेट बोल रहे थे भाई आपके पास टोकन है, टोकन से क्यों नहीं रिवाइव कराया, बट उल्टा सोचे सीधा तो मैं बोलूँगा कुछ नहीं बोला इन लोगों ने। लेकिन भाई अच्छे बंदे थे, तमीज से बात करिए। लेकिन कभी कभी यह होता है कि सोलो डेयर पकड़ो तो रैंडम जो टीममेट आते हैं ना वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों किया, तू बड़ा प्लेयर आ गया, नू बड़ा बॉट, खेलना आता नहीं है, डंगर, ये फलाना ढिमकाना। बट इन बंदों ने कुछ ऐसा नहीं बोला, क्योंकि इन बंदों ने भाई गेम देखी। हाँ भाई, बंदे की गेम तो है, यकीन थोड़ा सा तो था इनको, ज़्यादा ना बोलूँ था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे थे बट सोलो डेयर कंप्लीट होने वाला था, तो बिना किसी देरी के हम लोग भाई थोड़ा सा वेट करने लगे कि सोलो डेयर जैसे कंप्लीट हो उसके बाद ही रश करेंगे। अच्छा छोड़ लगा है और यहाँ पे सोलो डेयर कंप्लीट। ओके, इस बंदे को ये क्या बॉडी स्प्रे भी हमने मारा है बट किल कोई और ही ले गया है। 7 किल अभी तक उधर ही अटके हैं। यहाँ पे वेस्ट तकरीबन फटने वाली थी, बंदे ने क्या ही मारा है। चलो अच्छा शॉट, मेडिकेट यहाँ पे खत्म हो गई थी, तो इसके बंदे से स्मॉल वाली मेडिकेट और एक बड़े वाली मेडिकेट। ये बंदा अच्छा था, रीजन प्लेयर है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन स्क्वाड फिर से मर चुके हैं अपना। चेक कर लो फिर कितना तगड़ा स्क्वाड है अपने पास। ओके, जोन वगैरह सरवाइव कर लिया और यहाँ पे भाई क्या बंदे ने डैमेज दिया। टोकन जरूर थे, मैंने कहा इनको बचाने का कोई फायदा नहीं है टोकन्स को, क्योंकि हम लोग ही मर जाएंगे तो टोकन क्या काम आएंगे। तो डब्बे में मारा, वहाँ से वेस्ट वगैरह मिल गई थी और राइट लेफ्ट पे दोनों साइड बंदे थे। ग्लूअल डबल डाली थी मैंने ताकि आराम से यंग मैन आराम से। सामने की साइड बहुत ज़्यादा बंदे फाइट कर रहे थे, बैक साइड में भी एक था, हेलमेट नहीं था तो हेलमेट दोबारा मैंने आके यहाँ से पिक करा है, वे काफ़ी अच्छी चीज़ रही है। अच्छा बॉडी स्प्रे और इसको भी हेडशॉट लगा है, खान साहब यहाँ पे नॉक है। चलो गाड़ी वाला भी गया, 11 किल भाई यहाँ पे डन हो चुके हैं। अरे भाई ये क्या मोमेंट थी, बहुत तगड़ी वाली ग्लूअल डाली थी बट बंदे ने भाई चेक करो भाई पीछे से आके मारा है, ऊपर से इमोट दिखा रहा है ग्लूअल, अगर बच जाती तो भाई इसने मरना कन्फर्म था। तो ये गेम इधर ही एंड हो जाती है गाइज, लाइक एंड शेयर कर देना है, लाइक लाजमी से कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट।